अच्छी मिलनी हुई है, शादी की शुरुआत अच्छी हुई है, जो मिलनी से होती है बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है। मिलनी तो अच्छी होनी चाहिए, अगर मिलनी में झोल हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। ओके आई ट्राई डूइंग लाइफ डिड वर्क फॉर मी। मिलनी ही एक ऐसी चीज होती है जहाँ हर रिश्तेदार एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये रिश्तेदार तो ऑलरेडी से एक दूसरे को जानते थे, बस रस्म थोड़ी सी अलग थी और दूल्हा अलग था। तो हाँ, शाहरुख और अमन ने बहुत मस्ती की और इस बार तो जम के भाभी ने नाक पकड़ी अपने देवर। अच्छा, देवर भी बहुत ही डांस करते हुए देखा है हमें, बहुत ही बहुत उत्सुकता के साथ अपनी शादी के लिए दूल्हा आया है और मुझे हर टाइम लगता है हाउ कैन ही बी सो एक्साइटेड ऑल द टाइम बट आई एम हैप्पी दैट अमन इज प्लेइंग इट सो वेल। और हाँ, वो आई मस्ट से दैट कि वो डांस बहुत अच्छा करता है। ये जितने भी हमारे फंक्शंस आए, मैं मतलब रेगुलरली शूट करना वो तो होता है, लेकिन ये डांस वाली जो चीज़ें हैं ना, ओ माय गॉड, वो समथिंग हार्ट टचिंग। उसका एक परफॉर्मेंस जहाँ में नहीं थी पर मुझे ऐसे लगा ओ गॉड, माय हार्ट लगता कि मैंने यानी कि कुणाल को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। टेनी के मूड के बारे में क्या कहेंगे आप, कैसे संभालेंगे इसको? टेनी के मूड के बारे में तो भगवान भी नहीं जानता, तो पार्थ और शौर्वरी की तो वैसे ही उन्हें तो ऐसे अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है, और शौर्वरी तो अपने बच्चे की तरह से ट्रीट करती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब पता नहीं अब टेनी के साथ क्या हो जाएगा। हाय, मैं अपने बच्चे की फिक्र कम और टेनी की फिक्र ज्यादा करती हूँ। सर, फाइनली अपने लुक के बारे में कुछ बता दीजिए। मैं पक गई हूँ इस क्वेश्चन से, शट अप। मेरे लुक बहुत सिंपल है, मैंने गोपियों को और राधा को ध्यान में रखते हुए अपना बस नथ मैंने माइनस कर दिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू लुक लाइक अ दुल्हन, तो इसलिए मैंने ये डायमंड पहना है। हाउ इज इट? पूरा डिस्क्राइब करें, बहुत खूबसूरत है। मुझे मास्टर का भी समय और आप काना की भक्त हैं। मैं काना की कोई भक्त नहीं हूँ, अपना एक ही है भगवान शिव जी। ओ जो सज्जन में लिंक करते हैं, प्लीज इन क्रिएशन ये सब मत डालना प्लीज। थोड़ा सा सिंपल सा घाघरा चोली है, घाघरा और चोली मेरे इतने अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम किया हुआ है लहंगे के ऊपर, और जो ब्लाउज है उसके ऊपर भी अच्छा खासा काम किया हुआ है, तो मैंने सिंपल सा एक थोड़ा सा बड़ा सा हार पहना है ताकि एम्प्टी ना लगे, और माथा पट्टी और गजरा डाला है। गजरा आई थिंक किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हम तो फ्लावर और हल्दी कुमकुम से करते हैं, तो कुमकुम हमने रहता है और मैंने बालों में गजरा डाल दिया, सो दैट मैं कहीं भी जाऊँ यू नो थोड़ा सा शौर्वरी की Thank you.